फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स पावर चैनल में आपका स्वागत है। और सवाल में कहीं इसके सीरीज में आपका ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग वाटर कंटेंट देखे थे और वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन के बारे में देख रहे थे कि किस तरह से हम लोग वाटर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसी में हम लोगों ने ओवन ड्राइंग मेथड देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सैंड बाथ मेथड। तो सैंड बाथ पहले समझते हैं कि सैंड बाथ क्या होता है। तो सैंड बाथ इज अ ट्रे टाइप कंटेनर। एक ट्रे होता है, आप जलेबी वाला कंटेनर जो देखते हैं उस जैसा एक कंटेनर समझिए, उसी तरह का ट्रे रहता है। और जिस तरह से जलेबी रखते हैं उसी तरह से उसमें हम लोग सॉइल सैंपल रखते हैं, ठीक है। तो सैंड बाथ इज अ ट्रे टाइप कंटेनर विच कैन कैरी 50 mm थिक लेयर ऑफ सैंड, ठीक है। उसमें मतलब उसका थिकनेस जो रहता है उसमें 50 mm थिक लेयर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंड को प्लेस कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज ए क्विक मेथड। ये क्या होता है, आधे से एक घंटे के अंदर ये मेथड से हम लोग वाटर डिटरमाइन कर लेते हैं, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। और ये एक फील्ड मेथड है, ये हमारा कोई लेबोरेटरिकल मेथड नहीं है। जैसा कि ओवन ड्राइंग मेथड में हम लोगों ने देखा था कि वो एक लेबोरेटरिकल मेथड था और इससे ज्यादा टाइम उसमें थोड़ा सा लगता था, ठीक है। और लेकिन ये उससे कम टाइम यहाँ पे लगता है, इट इज ए क्विक मेथड। तो ये इसका खास बात है। बट अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज देखेंगे कि द कैलकुलेशन ऑफ द वाटर कंटेंट इज सिमिलर टू डेट ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड, ओके। यानी कि यहाँ पर भी जो कैलकुलेशन है वो से ओवन ड्राइंग मेथड के सिमिलर ही है। मतलब कि अगर आप इसके कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं तो ओवन ड्राइंग मेथड आप लोग एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक, काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ द सॉइल हैज ऑर्गेनिक कंटेंट, अगर सॉइल में कुछ ऑर्गेनिक कंटेंट है, जैसा कि मैंने पिछले भी ओवन ड्राइंग मेथड में बताया था कि जैसे अगर ऑर्गेनिक कंटेंट या जिप्सम रहता है तो उस केस में टेम्परेचर हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे जनरली ओवन ड्राइंग मेथड में 110 डिग्री रहता है, लेकिन ऐसे उसमें हम टेम्परेचर मेंशन किए थे कितना रहना चाहिए। और खास बात यह कि वहां पे लेकिन कर सकते हैं, वहां पे अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है तो वहां पे वाटर डिटरमाइन कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि वहां हम लोग को टेम्परेचर पे कंट्रोल रहता है, वहां पे हम लोग टेम्परेचर पे कंट्रोल रहता है। लेकिन यहाँ पे सैंड बाथ मेथड में हमारा टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे जब कंट्रोल नहीं रहेगा तो जो ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, तो ऑर्गेनिक कंटेंट कोई भी सा चीज भी होगा उसका क्या हो जाएगा, हाई हीट की वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, उस ऑक्सीडेशन को ना करने के लिए हम लोग इस मेथड से इसको नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीडेशन हमारा अवॉइडेबल होता है, ठीक है। तो जैसे एक बार अगर हम लोग ट्रे कंटेनर को देखना चाहें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। वो कंटेनर इस तरह का रहेगा, इस तरह का कंटेनर रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉइल सैंपल अपना, ठीक है, इसमें हम लोग अपना सॉइल सैंपल प्लेस कर देंगे। तो अच्छा, और इसको एक हम लोग नीचे से बर्नर से हिट करते रहेंगे, ठीक है। इसको एक हम लोग बर्नर है, ये हमारा किरोसिन ऑयल है इसमें मान लीजिए, ठीक है। किरोसिन ऑयल के बर्नर से हम इसको जला रहे हैं। तो इसको जब जला रहे हैं तो इसको तो ओवन तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल ओवन तो है नहीं जिसको हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हम हीट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जिससे अगर इस सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं कैलकुलेशन का। तो उसी तरह से अगर मान लीजिए W1 हमारा वेट ऑफ ड्राइड कंटेनर है, कंटेनर का वेट अगर W1 है, उसके बाद हम लोग उसमें सॉइल सैंपल डालेंगे तो उसका वेट हमारा W2 हो गया। उसके बाद उसको हम हीट करेंगे, ठीक है, और हीट करने के बाद हम लोग वेट करेंगे तो वो W3 हो जाता है। तो वाटर कंटेंट जब हम लोग निकालते हैं तो ओवन ड्राइंग मेथड का जो फॉर्मूला था हमारा W = W2 - W3 upon W3 - W1 into, अगर परसेंटेज निकालना है तो into 100, और वाटर कंटेंट जनरली मैंने बताया था कि परसेंटेज में ही कैलकुलेट होता है तो into 100। ये हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। W1 क्या है, कंटेनर का वेट है जब उसमें सैंपल नहीं था, W2 जब उसमें मॉइस्ट सैंपल था, और W3 जब उसको हम लोग हीट कर चुके हैं, उसके मॉइस्चर को हटा चुके हैं। तो आई थिंक इस एंड बात मेथड आपको समझ में आया। देखिए, वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन का 3-4-5 मेथड है, जिसमें हम लोगों ने 2 मेथड देख लिया, ओवन ड्राइंग मेथड और सैंड बाथ मेथड। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।